वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। रैशनल नंबर्स में कि लोएस्ट टर्म क्या होता है, ठीक है, तो अब लोएस्ट टर्म पर चलते हैं। तब तक मैंने बहुत सारे आपको वीडियोस दिए आपको। अ रैशनल नंबर, लोएस्ट टर्म ऑफ ए रैशनल नंबर, ए रैशनल नंबर पी बाई क्यू इज सेड टू बी इन द लोएस्ट फॉर्म। कहा कोई भी रैशनल नंबर पी बाई क्यू एक लोएस्ट फॉर्म में होगा, और सिंपलेस्ट फॉर्म में कहा जा सकता है इफ पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर। अगर p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो अदर देन 1, और अदर वर्ड्स एचसीएफ ऑफ p एंड q इज 1। अगर दो कोई भी अगर आपको दिया हुआ हो रैशनल नंबर, तो p और q का अगर एचसीएफ निकालें और केवल एक मिलता है, दैट मींस इट इज इन द लोएस्ट फॉर्म। अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, 24/18 एज अ रैशनल नंबर एक्सप्रेस इन द लोएस्ट फॉर्म, इसको एक्सप्रेस करना है लोएस्ट फॉर्म। सो वी हैव 24/18, फैक्टर ऑफ 24 का मैंने लिखा 2 × 2 = 4 × 2 = 8 × 8 = 24 × 2 × 3 = 6 × 6 = 18। सो 2 एंड 3 इज द कॉमन फैक्टर, सो एचसीएफ ऑफ 24 एंड 18 इज 6। नाउ डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 24/18 बाय 6। अब इस संख्या को क्या करना है, इसको 6 से डिवाइड करना है। सो 24/18 = 24 / 6 और 18 / 6, सो 4/3। अब इस दोनों का एचसीएफ अगर निकाला जाए तो एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर इसको मैं देख लूं, आपको दिखाऊं, 4 × 1 मैक्सिमम, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 1, एंड 3 को लिख सकते हैं 3 × 1। दोनों में एक के अलावा कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो कॉमन है। So, 4/3 is the lowest term. Yes, इसका सबसे ज्यादा क्या होगा, लोएस्ट फॉर्म होगा। सो 4/3 इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर 24/18। ना अब इसी चीज को मैं एक और फॉर्म में दिखाऊंगा आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। कोई भी तरह का फ्रैक्शन हो या रैशनल नंबर हो, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे देखते हैं। रैशनल नंबर पी बाई क्यू इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। का कोई भी रैशनल नंबर P by Q को स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा जा सकता है इफ द डिनोमिनेटर Q इज पॉजिटिव। अगर Q का वैल्यू कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। जैसे मैंने लिखा है 4/-5, -4/5, 4/5, -4/-5, ये मैंने तीन चार तरह के डाटा आपके सामने P by Q का फॉर्म लिखा। सो अगर नीचे पर दिया हुआ है निगेटिव, ठीक है, उसको किसी भी तरह से आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है पॉजिटिव नंबर। का कि द डिनोमिनेटर क्यू इज पॉजिटिव एंड द इंटीजर पी एंड क्यू हैव नो कॉमन डिवाइजर। अगर इस दोनों में कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए, जैसे इसका एक और इसमें भी एक से ज्यादा, इसका जैसे नहीं निकलेगा 4 और 5, लेकिन यहां निगेटिव है, तो यह निगेटिव जो है वो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आने दे रहा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन होगा, नीचे वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसको इससे कारण में ये भी क्या हुआ, पॉजिटिव। सो अदर देन 1 और द एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इज 1। हाउ टू कन्वर्ट एंड एक्सप्रेस ए रैशनल नंबर इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म मेथड। अब आपको अगर है मिल गया है क्वेश्चन कि आप इसको कन्वर्ट करो, किसको एक्सप्रेस करो स्टैंडर्ड फॉर्म में, देन यू शुड बी चेक फर्स्ट सम रूल्स फॉर यू। तीन रूल्स मैंने लिखे आपके लिए। फर्स्ट वी चेक इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। पहले ये चेक करना है कि दिए गए रैशनल नंबर का जो क्यू का वैल्यू है क्या वो पॉजिटिव है या नहीं। इफ इट इज निगेटिव, अगर वो निगेटिव है, मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो पहले उसको पॉजिटिव बनाना होगा। नाउ वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फिर उस न्यूमरेट उस रैशनल नंबर के पी और क्यू का एचसीएफ देखना होगा कि क्या रहा है। नाउ वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर बाय द एचसीएफ ऑब्टेन्ड। द रैशनल नंबर ऑब्टेन्ड इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर। जो आप एचसीएफ निकालेंगे उससे उसको डिवाइड कर देना, और डिवाइड करने के बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट आएगा वही उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। आपके लिए मैंने एग्जाम्पल लिखा, एक्सप्रेस द रैशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना है।
क्लियर। तो अब अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना है तो -56/24 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 56 और 24 का एचसीएफ निकालेंगे। मैंने यहाँ रफ एक खींचा, रफ डायग्राम डाला यहाँ पर। 56 लिखा जा सकता है 2 × 2 × 2 × 7, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। 24 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 8 × 3 = 24। सो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 × 2 × 2, दैट इज द 8। अब 8 वह फैक्टर है जिससे इसको भी डिवाइड कर सकते हैं और इसको भी डिवाइड किया जा सकता है, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। पहला चीज, पहला मैंने कहा था कि फर्स्ट वी चेक द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। पहले देखना था कि इसका नीचे वाला डिनोमिनेटर ये था, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है या नहीं। इफ इट इज निगेटिव मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव। अगर ये क्या होता, -56/-24 होता, तो पहले -24 को हम लोग क्या करते, पॉजिटिव बनाते, तो -1 से ऊपर नीचे क्या कर देते, मल्टीप्लाई, और ये हो जाता -56/24। क्लियर। तो फर्स्ट मैंने क्या किया, इसका पॉजिटिव वैल्यू तैयार किया। वी फाइंड द एचसीएफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फिर मैंने इसका एचसीएफ निकाला यहाँ पर। क्लियर। नाउ द थर्ड रूल शुड बी अप्लाइड, वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर बाय द एचसीएफ। जो एचसीएफ निकला है उससे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने यहाँ क्या किया, डिवाइड किया। द रैशनल नंबर ऑफ 10 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, और जो मुझको मिलेगा वह स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। 8 से 56 को डिवाइड किया -7, 8 से 24 को डिवाइड किया। एक तरीका मैंने पीछे बताया था कि कैसे डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल के करना था, और यहां मैंने सिंपल डिवाइड किया, 8 से 56, 8 से 24, और सो -7/3। Hence, the standard form of -56/24 is -7/3. Now, the time zone starts for you, the exercise 4.1 ready for you and example. Thank you very much.